बहुत भूख लगी थी ना आपको? हाँ वाकई बहुत भूख लगी थी मुझे। वैसे आज डरा दिया था आपने मुझे बहुत। डर गई थी या नहीं? मैं सोच रही थी कि इतना सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। मामला ही ऐसा था, ऐसे में कोई भी होता तो यही करता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैंने इतना नहीं सोचा था। किस बारे में? दीदम को जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो ये डिजर्व करती थी। अभी तो मेरा गुस्सा कम था, वरना कुछ ज्यादा भी हो सकता था। ऐसे क्यों कह रहे हैं? दीदम हद से आगे बढ़ चुकी थी, अगर उसे अभी नहीं रोकते तो देर हो जाती शायद। क्या किया है उसने? चैंक और वो मिले हुए थे, उसी ने उसे कहा था वो सारी पिक्चर्स लेने के लिए, और फिर क्या? चैंक ने ये सब कुछ उसके कहने पे, यानी दीदम ने सब कुछ करवाया था? टेंशन मत लो, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। दीदम को आपने मेरी वजह से निकाल दिया? नहीं, झूठ बोलने की वजह से। चैंक की वजह से अपसेट तो नहीं हो रही तुम? मैं उसकी वजह से क्यों अपसेट होंगी? मेरा उससे क्या ताल्लुक? पहली बात कुछ समझदारी की बात की है तुमने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये बात उसी रात बता सकती थी तुम मुझे। एक बात कहूं मैं आपसे, जब मैं झील के पास से लौटी थी तब मैं सीधा आप ही के पास आ रही थी। तो क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़कर जा रहे थे, दीदम को आप अपने साथ ले गए थे। अच्छा मैं समझ गया। हाँ मैं उसका हाथ पकड़ कर लेकर गया था, लेकिन मैं सिर्फ उससे कुछ बात करने के लिए गया था और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सफाई नहीं दे रहा तुम्हें, बस ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई तुम्हारे मेरे दरमियान, इसे क्लियर करना जरूरी था ताकि मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी ये सब दीदम के प्लान का हिस्सा था, आपको अपने साथ लेकर जाना इस तरह? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर बाद ही मैं वापस आ गया था, लेकिन तब तक तुम दुरुग के साथ जा चुकी थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।